अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है आम आदमी। हिंसा की वजह से लोग कई दिन से स्टेशन पर ही फंसे हैं। आपको ले चलते हैं बिहार के पटना, जहां हमारी संवाददाता निधिश्री मौजूद है। तो निधिश्री, आप उस स्टेशन पर मौजूद है जहां पर लोग फंसे हुए हैं, जहां पर लोगों को इस हिंसा के कारण बहुत सी दिक्कतें आई है, तो क्या कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि लोगों की ट्रेनें मिस हो गई, कई लोगों के एग्जाम्स थे वो एग्जाम्स नहीं देने जा पाए, क्या कुछ लोगों के इस पे राय है? जी बिल्कुल, देखिए दो दिनों से लगातार जो ट्रेन कैंसिल हो रही है और जो लोग इधर उधर से यानी कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पटना पहुंचे, उनको जानकारी नहीं है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। और कई परिवार आपको ऐसे दिख जाएंगे जो अस्पताल से लौटे हुए हैं। अब जैसे अस्पताल से लौटने वाला ये एक परिवार मुझे सामने नजर आ रहा है और इनसे मैं बात करूँ, लेकिन ये जरा देखिए इनके हाथ में लिस्ट लंबी है। अस्पताल में बीते 15 दिनों से थे, खाने पीने का सामान नहीं बचा है, लेकिन सिर्फ कागजात है इनके पास। कहाँ पर भर्ती थे आप? एम्स में, दिल्ली पटना एम्स में। दिक्कत क्या थी आप? दिक्कत मेरे हाथ में जो है नीलापन पड़ जाता है, नीलापन होके उंगली कटाने का नौबत पड़ जाता है, कमर में दर्द है, बैठने और चलने में बहुत दिक्कत हो। जाना कहाँ है आप? हमको जाना है धमदाहा से आगे 3 किलोमीटर चंद्रही गाँव पर, पूर्णिया की बात, पूर्णिया जिला पड़ता है हम लोग। तो आपको, आप कितने दिन से स्टेशन पर फंसे हुए? परसों से, परसों 12 बजे आए हैं। परसों 12 बजे बोले कि कोसी ट्रेन जो है 3:40 में बोला था कि टाइम है इसका, हम उस छुट्टी लेकर डिस्चार्ज होकर चले आए यहाँ पे। परसों से यही स्टेशन, परसों से यहीं पे है। अब खाने पीने को कुछ बचा आपके पास? अभी हमारे पास खाने पीने के थोड़ा बहुत जो था वो खत्म हो गया है, अब नहीं सत्तू था, चना का सत्तू था, कुछ मुरही लेके आए थे यहाँ पे 20-25 रुपया का, वो भी खत्म हो गया। अब प्रशासन की तरफ से कुछ मुहैया कराया गया कोई मदद? कुछ नहीं मदद हुआ अभी कुछ। ये अगले परिवार से मैं जरा आपको बात करा दूं, ये पत्नी है आपकी सर जी, और इनको क्या हुआ? इसको चेस्ट कैंसर था। कहाँ इलाज चल रहा? महावीर कैंसर संस्थान, वहीं इलाज चल रहा था। कितने दिनों से आप स्टेशन पर फंसे? परसों शाम में सोचा आए थे, परसों शाम से जी। तो ये छोटा सा बैग है, झोला है, इसमें कागज होगा जी 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 है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैग खोलकर दिखाने की जरूरत नहीं। मुझे आप ये बताएं कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद आप लोग? कुछ नहीं प्रशासन की तरफ से, तो स्टेशन में भी थे ना, तो भी बोला कि निकलो बाहर थोड़ा सा, थोड़ा देर के लिए, उसके बाद अंदर आने दिया, फिर बैठे हुए हैं। रात में सोए थे यहीं स्टेशन पर ही सोए जी। जाना कहाँ आप? भागलपुर। तो भागलपुर जाने के लिए आप बस की सुविधा ले सकते हैं, आपने कोशिश की? सर बस की सुविधा लेने के लिए गए ना, तो वहाँ बोला कि 50 रुपया बस स्टैंड जाने के लिए भाड़ा लगेगा, तो 100 रुपया था, 100 रुपया लग जाता था। हम कहे 100 रुपया क्यों दें, चलो 100 रुपया भोजन तो करेंगे, बैठे हैं यहाँ, जब आएगी गाड़ी तब चलेंगे। क्या नाम बताया? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह है, ये इनकी पत्नी है, कैंसर अस्पताल में थी, 15 दिन इलाज चला। जब स्टेशन पहुंचे तो इन्हें लगा भागलपुर की ट्रेन मिल जाएगी, पॉकेट में 100 रुपए है, काम चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने ट्रेन का टिकट पहले से लिया था। ट्रेन कैंसिल हुई, अब यहाँ से ये बस स्टैंड पहुंचेंगे और वहां से भागलपुर जाएंगे, पति पत्नी, इतने पैसे नहीं है गरीब परिवार के पास, और इसी तरीके की स्थिति स्टेशन पर आपको कई और परिवार जो फंस गए हैं, जिनको इस बात की जानकारी नहीं है। जहाँ से अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं जी, अजय, क्या वहाँ लोगों को इस बात की जानकारी थी कि आज ट्रेनें नहीं चलने वाली हैं? क्योंकि हम पटना की तस्वीरें देख रहे थे, लोग एक दिन से नहीं बल्कि 2 दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं स्टेशन पे, वहाँ से क्या तस्वीरें सामने आ रही? अरे भागा सर, देखिए अगर जानकारी होती जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, मालूम चलता कि जानकारी कितनी अभाव जानकारी का, लोगों को सूचनाएं पहुंचाई नहीं गई हैं या फिर सूचनाएं पहुंची ही नहीं। आप देखिए भीड़ जिस तरीके की स्टेशन पर मौजूद है, छोटे बच्चे हैं, तमाम दूसरे लोग हैं। कहो ट्रेन कितने बजे बात भैल में ट्रेन बात हो रहा है? 8:30 में बोला है, बोली गई है ट्रेन रहेगी आज। हाँ। लगातार जो कैंसिल हो रही है ट्रेन, कैंसिल तो नहीं है, जानकारी ली आपने ना? बोर्ड पे चेक किया आपने? बोर्ड पर तो चेक नहीं किया, मोबाइल में आ रहा है कि आएगी, आएगी उम्मीद बनी हुई है बहुत, तो ट्रेन कैंसिल है। एक बार पूछिएगा रेलवे के अधिकारी से, ये छोटे बच्चों को लेके कब से बैठी हैं आप यहाँ पे? कब से तो बैठे हैं हम लोग, कुछ पता नहीं चल रहा है ट्रेन? नहीं नहीं पता नहीं चल रहा है। मैं आपको लेके चलता हूँ उस बोर्ड की तरफ, सब लोग जो है नजर बनाए हुए, एकटक नजर से उस बोर्ड को ही देख रहे हैं। जो बोर्ड यहाँ पर सूचनाओं से जुड़ा हुआ है, रेलवे की तमाम सूचनाएं देता हुआ वो बोर्ड है, लोग यहाँ पर जो मौजूद है उनसे भी जरा बात करते हुए चलते हैं कि क्या कुछ सूचना ट्रेन के बारे में मिल रहा है। चाचा कौन सा ट्रेन पकड़ने आए? एक कौन ट्रेन आ रही है? तो कहाँ जाना है आपको? कटिहार जाना है। तो
पहले कुछ रिजर्वेशन कराए थे, कैसे क्या हुआ? रिजर्वेशन कराए थे वो अमरपाली का, वो कैंसिल हो गया। तो क्या करे, शादी में जाना जरूरी है। दिक्कत बहुत हो रहा होगा फिर तो। बहुत तो दिक्कत है, अब दिक्कत का और परिवार को लाना था, उसको छोड़ दिए, दो तीन आदमी तो जा रहे हैं। रिजर्वेशन है नहीं, कैसे जाइएगा? उम्र दराज लोग हैं, कैसे जाइएगा? रिजर्वेशन तो है नहीं। तो क्या करें, जाना जरूरी है ना, शादी में जाना पड़ेगा। भीड़ अगर एक ही ट्रेन पे चढ़ेगा बहुत मुश्किल होगी आप लोग को। अब देखते हैं, अब क्या करें बताइए ना, मुश्किल होगी। ये सब लोग साथ में जाएंगे कैसे? यात्रा तमाम ट्रेनें कैंसिल हुई है, आपने सूचना ली थी? हाँ। पैसा रिफंड हो गया उसका? पैसा रिफंड हो गया। रिफंड हो गया, अब मैं लेके चलता हूँ आपको। देखिए ये लगातार लोगों के आने का सिलसिला बना हुआ है। कहाँ जाना है भाई? ट्रेन है, जाना जानकारी ली हो? ट्रेन चलेगी? हाँ। कहाँ जाना है? लुधियाना जाना है। लुधियाना का ट्रेन कौन सी ट्रेन है? अमरपाली एक्सप्रेस। अमरपाली चेक किए बोर्ड पे, कैंसिल है, बहुत सारा ट्रेन कैंसिल लिखा हुआ आ रही है। छपरा अमरपाली का, अमरपाली चल रही है। हाँ जी हाँ। तो देखिए ये एक सकारात्मक संकेत है, कुछ ट्रेनें चली हैं। अब हम चलते हैं उस हिस्से में जहाँ लोग एकटक नजर लगाए हुए हैं बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए ये कैंसिल ट्रेनों का एक पूरी श्रृंखला है, तमाम ट्रेनें कैंसिल्ड हैं, लेकिन कुछ जो ट्रेनें चल रही वो उम्मीदें बढ़ा रहे हैं। जी जी, पूर्णिया सिटी जानी है? पूर्णिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।